सोच सोच चली होवेगी। परी महफलों दे विच तो भाइयों सोया ही नहीं हूँ, मतलब मुझे दोपहर में बहुत थकावट थी भाई, गेम वेम खेल के आए थे और नींद आ रही थी, सोया ही नहीं यार। मतलब व्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड किया भाई, ये गांव है, शहर तो ये है नहीं कि इसमें नेट चल जाए। अब वो गेट कर दिया बंद, अब ये कर दिया है इधर से भी बंद करके, लाइट वाइट कूलर वूलर सब बंद है, चलो बंद है भाई साहब। सोने का बहुत मन कर रहा था पर सोया ही नहीं यार, मतलब सही बता रहा सोने का बहुत मन था पर सोया ही नहीं यार, क्योंकि यार दोपहर को आया था खेल के भाई, थक गया था और पैरों में दर्द हो रहा था, प्लस यार मतलब थकावट सी होगी, नींद आ रही थी एडिट करते टाइम को, मतलब नींद आ रही थी। मतलब व्लॉग एडिट हुआ था मेरा 3 बजे और अपलोड पे लगा दिया था मैंने, मतलब वही 3:10 पे लगभग। वो भाई साहब कम से कम ना वो हुआ है तुम्हारा 4:30 बजे तक अपलोड, और जिसमें कि भाई मेरा 5.5 GB नेट ख़त्म भी हो गया, मेरे मोबाइल का जो नेट था डेटा बूस्टर वगैरह जो मिला था वो भी ख़त्म हो गए, उसके बाद में वो 100-150 MB का फिर भी बच गया, तो भाई वो अटक गया था 97 पे। उसके बाद में जाके दोबारा से मतलब मैंने हॉटस्पॉट लेके दीदी का जब किया है वो अपलोड, तो यार उसमें ही आधा घंटा टाइम वेस्ट हो गया, इसी वजह से भाई ब्लॉग 4 की जगह 5 बजे पब्लिश हुआ है। तो भाइयों अभी इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, तो अभी चलते नीचे इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले चल के यार पानी पी लेते हैं इसमें रूम में, ठंडा पानी देखते हैं फ्रिज में और पानी पी के फिर चलते हैं बाहर। तो गाइस हम घर के बाहर आ गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं भाई घूमने बाहर, सोया बिल्कुल भी नहीं हूँ अभी, अपलोड करके जस्ट पब्लिश करके मैं घर के बाहर निकल रहा हूँ और अभी जाते हैं यार देखते हैं। लेट भी हो गए यार, 5:30 बजे के बाद निकल रहे हैं हम घर के बाहर, पता नहीं कोई सीन देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, पर यार गाँव में इधर तो सीन बनते ही रहते हैं, तो चलो आगे जाके देखते हैं सीन क्या बनेगा। तो भाई पत्ते खेलते खेलते पीछे हो गई है लड़ाई, हम आए थे झोपड़ी पे, तो कुछ लोगों को हमसे भाई बड़ी दिक्कत है, जो कि यार मतलब वीडियो तक शूट नहीं करने दे रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं। तो भाई वीडियो हमने शूट करी थी तो उसको हम डालेंगे नहीं, मतलब डाली नहीं है मैंने, ठीक है। तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है भाई, गाँव में भी हेटर्स गाँव में हेटर्स आ गए भाई। और भाई साहब क्या हालचाल, ठीक कहाँ जा रहे हो, कैरियल बैठा ले चलो पीछे, कैरियल बैठ के चलूंगा। हाय बोड्डा, ये लड़का बहुत अच्छा आदमी है, ये लड़का बहुत प्यारा बच्चा है, चल भाई चले घूमने। तो पेड़ों पे चढ़ रहे हैं जो बंदर बने हुए हैं हमारे गांव के बच्चे, ये भाई साहब नई पीढ़ी है, हमारा टाइम तो निकल गया, अब इनका दौर है भाई साहब पेड़ों पे झूलने का। तो गाँव में भाई हेटर्स आ गए हैं थोड़े बहुत, वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं यार, मतलब डायलॉग्स तू देख, तू यार उसके अगले बंदे के डायलॉग देखे भाई। अब यही ब्लॉग यार, यार मतलब तुम लोग भाई क्या कर रहे हो, जितने लोगों के पास जा रहा है तो भाई इस पे लाइक और शेयर दबा के ठोक दो, इस पे ला दो यार तुम 5-6 लाख व्यू, 5-6 लाख व्यू ला दो। जो यही बंदे जो यूं कर रहे हैं कह रहे हैं ना कि भाई शूट मत कर हमारी वीडियो, हमको शूट मत कर, अरे मैं वेंचो अपने को शूट कर रहा हूँ, मैं खुद को शूट कर रहा हूँ, मैं बस ये शूट कर रहा हूँ यार, मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं जो देख रहा हूँ मैं वही चीज़ तो दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना भाई, किसी और को थोड़ी दिखा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। मैं जो कुछ भी शूट कर रहा हूँ वो तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं किसी और को दिखा नहीं रहा हूँ। कॉल आ गया यार, हेलो नियो भाई, भाई व्लॉग चल रहा है तुम बताओ। तो भाइयों मैं बैठा हुआ था काफी देर से यहाँ पे और मेरा दोस्त है एक नियो, उससे मैं बात कर रहा था, आज काफी दिन बाद बात हो रही थी, मेरा गेम फ्रेंड है BGMI का। तो गाइज आज का दिन मतलब ऐसा था कि यार आज मतलब धूप तो निकल ही नहीं रही है, धूप निकली नहीं आज बिल्कुल, पूरे दिन ठंडा रहा है मौसम और अभी भी मौसम बहुत ठंडा है। अब देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई साहब, तो इसके भाई सनसेट के मैं कुछ फोटोज वगैरह डाल देता हूँ, तुम अच्छे से देख लेना उनको, तो देख तो मैं अभी अच्छे से फोटो निकालता हूँ इसके। परी महफलों दे विच कली
महफलों दे विच कली होवेगी सानू याद कर कर पक्का रोवेगी परी महफलों दे विच कली होवेगी सानू याद कर कर। तो भाई हम आ गए हैं अभी घर की तरफ, अंधेरा अंधेरा हो रहा है पूरा। और ये बैठा भाई तुम्हारा मैसी इधर बैठा हुआ है, इसने सुबह की गेम हरा दिया हमको। तो ठीक है भाई मैसी बाय। चलो भाई घर की तरफ चलते हैं और अब जाके भाई खाना वाना खाएंगे, फिर देखते हैं व्यवस्था। ओमी का पिल्ला गया। तो गाइस खाने में कुछ अच्छा लग नहीं रहा हमको, तो हम मैगी बना रहे हैं अभी। मैगी बना के और यार अभी मैगी बना के खा के और फिर ऊपर जाएंगे और मिलते हैं भाई तुमको आगे व्लॉग में। पहले मैगी बना लेते हैं और फिर इनको खा लेते हैं। चिमकांडी जैसी शक्ल बन गई है इसकी, पूरा चिमकांडी ही लग रहा है। ये गंदा सा गेम खेल रहा है ना, तो ये BGMI खेलता है ना फ्री फायर खेलता है, ये गंदे से गेमों में टाइम पास करता है। क्या खेलता है तू? मत कर, माइनक्राफ्ट खेलता हूं। BGMI फ्री फायर क्यों नहीं खेलता? फ्री फायर डिलीट भी कर दिया तूने माइनक्राफ्ट? कर दिया बस। वाह बस बस। चल मैं जा रहा हूँ, है ना जतिन बाय बाय कर दो गाइस, गुड नाइट लोकेश, गुड नाइट कर दे भाई। अरे तो रुक गया ले बता, बस ऐसे ही रुक जाओ थोड़ी देर, इधर ही बैठ के सबको बता दो यार। ये बहन तो नहीं है, बहन हुआ तो आप हमारा कुछ बनाओगे भी, हमारा कुछ डालोगे भी। गाइस इनसे कह दो कि हमारे को वीडियो डाले, हमें गाइस इतनी बना ले, हम वीडियो जरूर देखना, कल हम फेस रिवील करने वाले हैं। फेस तो तुम्हारा रिवील हो चुका है बेटा। बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट ब्रो, बाय दोस्तों। तो भाइयों अभी मैं 7 बज रहे हैं और अभी मैं उठा हूँ, आज लेट हो गया यार क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार बुखार था। तो कॉल भी आ रखे हैं सुबह से भाई घर वालों के, तो चरी काटने जाना है, लेट हो गया। चलो तो अब जाते हैं, मौसम तो वैसे भी ठंडा ही है, अभी जाता हूँ मैं चरी काटने जाता हूँ पहले। तो भाइयों आज मुझे चरी लेने नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैं लेट हो गया, तो भाई लेके आ गया चरी आज काट के। तो मैंने क्या किया, मैंने तो भाई अपना रूम वगैरह था जो ऊपर का ये था, तो ये साफ़ वाफ कर लिया, थोड़ा सा अच्छा कर दिया क्योंकि यहाँ पे यार वो तीतरी होती है उसके पंख बिखर रहे थे, तो वो मैंने इकट्ठा करके फेंक दिए। तो अभी यार मैं चाय पीता हूँ जाके नीचे, आँख में यार थोड़ी दिक्कत सी हो गई है, आँख में थोड़ी सूजन सी आ गई है, तो अभी मैं जाता हूँ नीचे और उसके बाद में बात करते हैं। क्योंकि यार शायद मैं ग्लास यूज़ करूँगा आज के ब्लॉग में क्योंकि आँख में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं नीचे आके चाय पीता हूँ और उसके बाद बात करते हैं। और यार एक और बात, ब्लॉग की टाइमिंग को लेके अपन थोड़ी सी देखते हैं यार, क्योंकि हमारे पास नेट नहीं होता है शाम को ब्लॉग अपलोड करने के लिए, और सुबह हम पे रात को हमको 12 से 6 बजे तक अनलिमिटेड नेट मिलता है। तो अभी हम शायद रात के 12 से 6 के बीच में ब्लॉग को अपलोड करें क्योंकि मेरे ब्लॉग 5-5, 6-6, 7-7 GB तक के होते हैं, क्योंकि भाई 6-7 GB डेटा पे अपलोड करना भाई बहुत हार्ड होता है। तो शायद रात को हम 5 से 12 से 6 के बीच में ब्लॉग अपलोड करें और उसके बाद उसको शाम को 4 बजे पब्लिश करें, तो ये हो सकता है। तो बीच में भाई एक ब्लॉग लेट भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अभी बताते हैं हम आगे क्या सिस्टम बनेगा, तो चलो नीचे चलते हैं और चाय पीते हैं। तो गाइस ये बच्चा ब्लॉग में आ चुका है दोबारा से, ये दीपा जी भी आ चुकी हैं, ये पुलिस में SI है, और ये बच्चा भी आ चुका है, इनके साथ खेल रहा था, इनकी बुआ लगती है ये। तो गाइस अभी हम चाय पी लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे यार ब्लॉग की टाइमिंग को लेके। तो चलो चाय पी लेते हैं पहले, आप पियोगी चाय? नहीं। बच्चा रो रहा है। मारी।
या मशीन से अंदर करना है? मैं नहीं, ओ कितने रो रहा है, बच्चे को सांस भी नहीं आ रही है, ऐसी हालत कर दी है। तो भाइयों हमने बच्चे के बाल कटवा दिए, मैंने नहीं कटवाए, मैं तो मना कर रहा था, पर इन सब ने मिलके कटवा दिए। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो कहाँ पे गया, वो गंदा करवा दिया बच्चा। ये देख देख के हमको डरा रहा है कि जैसे हम शायद काटेंगे। अब गाइस नहुआ के बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में कमेंट कर दो। हेलो, तो गाइस हम आ गए घर के बाहर और ये बच्चा भी मिल चुका है और 8:30 बज गए अभी, तो हम जा रहे हैं अभी उधर की साइड में, बाहर जाते हैं हम थोड़ी देर उधर ही बैठने के लिए, देखते हैं आगे व्यवस्था। तो भाई मुरै में काका खा रहा हूँ। अच्छा, उनका ही ले रहा था, काकी को ले, वो डॉक्टर को, अरे उनका ले रहा था मैं, उनसे ले गए जब तक। अरे चले गए, वो चले गए, नाना चले गए थे जब तक मैं ले रहा था जब। अरे भाई कैसा है? ठीक हूँ भाई, कैसा है ब्रो? भाई फैमिली वो भी कितना मस्त आ रहा है, कल वो भी छक्का नहीं मारा यार, कल एक भी कल के मैच में वो भी काम खराब कर दिया, छक्का नहीं मारा। भैया सब भाई फुल हैप्पी है बंदे यार ब्लॉग में आने के लिए। यार अब क्या करें, अब हम इतने लड़के तो बैठे हुए, कोई प्लान बनाते हैं खेलने का हैं। भाई कुछ खेलना है, खेलना है, हैं सफेद जूते पहन के नेताजी आ गए, सफेद बीजेपी के आदमी, मोदी के खास आदमी है भाई, मोदी वाले लाइक कर दो जितने भी है, तुम्हारी टीम के आदमी आ गए, यही है बस, वही है। तो बीजेपी के आदमी है तुम वैसे? गाड़ी ना, बीजेपी के आदमी है तुम? ले भाई साहब, बीजेपी के आदमी है, बीजेपी वाले लाइक कर दो, मोदी के जितने ही फैन है, ये सब है समाजवादी पार्टी के। मैसी कहाँ गया भाई? भाई इसको मैसी बोल दिया कल दो तीन लड़कों ने, टी शर्ट थी इसकी, तो देख के भाई वो जो कह रहे हैं वो तो भाई की बना लो, देगा बैठ रहा है किसकी, कुलदीप भाई की, कह रहा है मेरे से भाई मेरी एक वीडियो बनवा दो वायरल हो जाए, उसको आपत्ति है, हैं आपत्ति है उसको, आपत्ति को दोबारा में घुस देंगे हम। इसकी बना दे उम्मीद, ओवी की तो बहुत मर गई यार, ओवी बेचारा जो कहता है कि तो बना मत कर, अंदर आत्मा तो उसकी कहती है। भाई चले मैच खेलेंगे भाई, इधर जा रहे हैं बकालपुर, भाई इसने ही छक्के मारे थे, इसने ही जो मारे थे उसने ही मारे थे, और बॉल भी इसने अच्छी कराई थी तेरी, तो भाई लास्ट तक जान जा रही थी बॉल में, कट कट के जा रही थी, मैं बल्ला मार रहा हूँ उधर से निकल जा रही, बिन्नो के ओवर में तूने नहीं बनाए, बिन्नो के ओवर में करना चाहिए, एक छक्का आ जाता बिन्नो के में बस काम हो जाता, यार अब गीले में नहीं खेलेंगे यार। भाइयों बाबू भैया बैठा है इधर, बैठो को फुलाई बधाई कर रहा है, और हम जा रहे हैं भाइयों ये टंकी पे चढ़ने, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहे पूरे, पर हाँ भाई जितना जा सकेंगे उतना दिखाएंगे तुमको। ये हमारा गांव का पुराना स्कूल है, ये स्कूल एक रात में बना था, ये हमारे बाबा ने बनवाए थे स्कूल एक रात के अंदर, जब बाबा शायद प्रधान थे गांव के। अब आ गए गाइस हम इस टंकी के नीचे, देखो ये टंकी है आज तक चालू नहीं हुई, कब तरक्की होगी पता नहीं हमारे गांव की, अब इस टंकी पे हम ऊपर चल रहे हैं, भाई इसका जीना देखो कितना टेढ़ा है यार, इधर से
मतलब उधर की साइड जोक जा रहा है सीने का पूरा भाई, इधर से फूटा हुआ है तो देखो गाइस, इधर से जीना क्रैक है और यार इधर जाना थोड़ा सा रिस्की नहीं लग रहा है? कोई सपोर्ट भी नहीं है गाइस इधर पे। अबे ये तो भाई पूरा पलट रहा है, चलने का जोक भी नहीं बैठ रहा, पूरा टेढ़ा जीना है। देखो भाइयों उधर की साइड झुका हुआ है पूरा झुकाव, यार उधर से कितना नीचे लग रहा है, मैं नहीं आ रहा। तो गाइस ये है कुछ टंकी का माहौल, इससे ऊंचा तो यार मेरा घर की छत है भाई, इससे ऊंचे घर की छत है वो दिखा दूंगा। तो यार ये हमारे गांव की पुरानी टंकी है जो कि आज तक कभी चालू नहीं हुई, ये हमारा वही मैसी भाई खड़ा है। उधर देखो कहाँ लटक रहा है भाई, गिर जाएगा, इधर आ जा। भाई पागल है तू, कैसे पकड़ के गया था, हवा में गया था पत्थर चल के। भाई ये बड़ा रिस्की घूम रहा है इधर। ओ भाई भाई गिर मान रही हो, डर लग रहा है यार इधर तो उतरने में सही में। भाई साहब डर लग रहा है उतरने में, डर लग रहा है भाई, बहुत गलत सीन है भाई इसका, इधर चढ़ ही नहीं सकता कोई। अरे ये भाई है, इसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये ऊपर भी चढ़ गया था पहले भी, बहुत बार चढ़ गया, इसमें उल्लू बैठे थे होते थे, उल्लू को उठा लाया था एक बार ये, जब हम नए नए गांव में आए थे 4-4.5 साल पहले की बात है, ये भाई उल्लू को उठा के ले आया था, उल्लू का बच्चा था कि कौन सा पूरा, उल्लू बड़े बड़े उल्लू थे उनको उठा लाया था ये। यार ये टंकी है बिल्कुल खंजर हो चुकी है भाई, पूरी पुरानी हो चुकी है, अभी तक चालू भी नहीं हुई है ना पानी की सुविधा है इसमें। तो भाई ये टंकी कैप्चर कर दी हमने तुम्हारे लिए, देख रहे हो कितने रिस्की रिस्की काम कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा रिस्की भाई ये बंदा है। देखो ये घास है, इसका जो दूसरा नाम दिया था मोथा बोला था इस घास को। तो भाई वो टंकी पे घूम के आ चुके हैं और भामू के भैया भी इधर आ चुके हैं, ब्लॉक कर रहा बनवाया था, ब्लॉक बनवाया तो कर रहा था ना। ये भैंस क्यों भाई परेशान कर रही है पूछो, ये भैंस भाई क्यों परेशान कर रही है बताओ, फेसबुक पर डालो जाए, क्यों परेशान करती है, कौन सी भैंस, हाँ भाई भैंस डाल के देखती भाई गाली गाली दे रहे हैं यार, अरे तू जो देख जिसको डालना है आ जाओ कमेंट सेक्शन में, डाल ले हमारे बाबू भैया है यार, बूढ़े हो गए अब तो खैर, वो एनर्जी लेवल उस टाइप का रहा नहीं है, पर फिर भी यार खूब जोर लगा देते हैं जोर तो भाई पूरा लग रहा है, उसकी कमी नहीं है। अपने जवानी के चर्चे सुना दो यार, एक आज हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, जवानी के चर्चे सुना दो यार, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। अरे माहौल रंगीन रंगीन हो जाए, जवानी के दो चार किस्से सुना दो भाई साहब, यहाँ बैठ के सुनेंगे जवानी के किस्से, हमारे बंसी वाले कुछ भाषण देंगे, इनकी बात सुनो ये भाई साहब जा रहे हैं कहीं, तो आ ही रहा है आगे कैमरा चालू है। जवानी के किस्से ऐसे थे भाई साहब इनके, पटक पछाड़ी चलती थी, किसी को भी मतलब बहुत पहलवान आदमी हुआ करते थे, रेसर थे, बहुत कर रहे हैं जी, किस्सा है नहीं थे मोर को फोटो, ताकत नहीं थी तुम्हें, अब ना यार ताकत जवानी में तो थी ना, हाँ धीरे भैया पटक दे देते थे। तो भाई अभी हम कैच कैच खेल रहे थे, कैच कैच की प्रैक्टिस कर ली और पसीने आ गए काफ़ी, और दिन के बच चुके हैं 10, सुबह के 10 मतलब, तो अब जाके घर पे यार चलते हैं, नहाएंगे पसीना वसीना सुखा के नहा के और फिर खाना खा के, उसके बाद में
ब्लॉग एडिट करते हैं और शाम को अगले ब्लॉग में तुमको इधर एक मेला लगा है उसको विजिट करवाते हैं। तो चलो पसीना यार कभी भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, गांव में तो ऐसे निकलता रहता है। और भाई हवा चल रही है एकदम मस्त ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। तो चलते थोड़ी देर में घर की तरफ। तो गाइज हम आ गए ऊपर छत पे अपने रूम में, मेरा मेरा रूम। तो भाइयों अभी अपन जाके यार मतलब व्लॉग को एडिट करेंगे और देखते हैं यार क्या रहेगा। तो यार मैं मतलब उसी बारे में बात कर रहा था कि भाई जैसे अभी अपना व्लॉग है हम 4 बजे 4:30 बजे ऐसे पब्लिश करते हैं उसको, तो वो मोबाइल नेटवर्क पे पब्लिश करते हैं भाई, मोबाइल नेटवर्क जो रहता है अपना उस पर मैं अपलोड करता हूँ। क्योंकि यार ये विलेज है, गांव है, यहाँ पे वाईफाई वगैरह की सुविधा नहीं है। मैंने यार काफ़ी जगह बात भी करके देख ली और आज से नहीं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ भाई वाईफाई लगवाने का, पर नहीं लगाया भाई किसी भी कंपनी ने यहाँ पे वाईफाई। तो यार मैं अभी सोच रहा हूँ कि भाई मोबाइल नेटवर्क से अभी जो चल रहा है मेरा काम तो उसी से अपलोड कर रहा हूँ। तो रात को VI की जो नेटवर्क है वो फ्री मिलता है भाई उसमें, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक नेट। तो अब अपना यही रहेगा कि अपन शायद रात को ब्लॉग को अपलोड करें। ये जो ब्लॉग आप देख रहे होंगे ये शायद रात को अपलोड किया होगा मैंने, तो नेक्स्ट डे जो सुबह मॉर्निंग में आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है यार कि करें, नहीं तो अगर कोई देखते हैं अभी कोई जुगाड़ वुगाड़ मिलती है भाई किसी का हॉटस्पॉट वगैरह लेके कैसे भी करके अगर मिलता है तो मैं शाम को शायद 4 बजे भी डाल दूँ, तो भाई वही कोशिश रहेगी अपनी। तो देखते हैं यार, यही परेशानी थी एक, इसका समझ नहीं आ रहा था भाई कैसे क्या होगा, पर अब वही है इसका सॉल्यूशन हमारे पास तो यही है, रात को 12 बजे अपलोड करेंगे और सुबह हम इसको शायद लगभग हम मॉर्निंग में पब्लिश किया करेंगे भाई 12 बजे 1 बजे के समथिंग, मतलब दोपहर को, मतलब नाइट में अपलोड और दोपहर को 12-1 बजे समथिंग पब्लिश, ये करना पड़ेगा भाई साहब कल से ब्लॉग में आगे, देखते हैं यार आगे। तो चलो गाइस अभी मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खाना वाना खा के भाई थक गया हूँ, मतलब नींद सी भी आ रही है। तो अभी मैं ब्लॉग को एडिट करके आधे घंटे के अंदर और उसके बाद में सो जाता हूँ और फिर देखते हैं नेट वगैरह की व्यवस्था और क्या। तो चलो गाइस आज के लिए बस यही, ब्लॉग को करते हैं अभी एंड।